The collection I worked on is called Within. It is about, to be beautiful outside, you really have to be beautiful within, inside. So it is an extension of who you are. It's about expressing who you actually are from inside and being comfortable with it. So it's a very introspective collection, and it is about exaggerating a woman's beauty. And here we've used, if you see the piece that Isha is really wearing, she's wearing a piece which is the main piece of the Within collection. It has 5,973 diamonds, and it's really, are you looking beautiful in it? Yeah, it is about making a woman look more beautiful and more expressive of who she is. So there is always this underlining element of who you are and expressing yourself and being true to who you are. That is a part of my collection. And it's in terms of styling, I work on three-dimensionality, and they're all mini sculptures. So yeah, that's basically the collection. आई विश इट वॉज माइन, काश ये सच में मेरी ज्वेलरी होती, लेकिन ये इनकी है, ये इनकी बहुत मेहनत के बाद इन्होंने ये पीस बनाया है. मुझे इनका जो स्टाइल है वो बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो हर पीस है वो अलग है. नॉट टू पीसेज आर द सेम, द वे इट्स पुट टूगेदर इट्स एवरीथिंग इज डिफरेंट. और उनके जो दूसरे सारे जो पीसेस थे, जो चेन्स थे, वो सब उसमें एक था वो 3D था, और दूसरा था कि वो बहुत इंडो वेस्टर्न था, जो मुझे बहुत पसंद है. क्योंकि आज के जमाने में व्हेन आई गो अब्रॉड व्हेन आई एम इन इंडिया, आई वांट टू लुक इंडियन, बट एट द सेम टाइम हम ज्यादातर जीन्स पहनते हैं या थोड़े वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पहनते हैं. इट्स नॉट एवरी डे दैट आई एम वेयरिंग अ साड़ी और पंजाबी. सो और तो जब हम बहुत ट्रैवल करते हैं तो यू कैन ओनली टेक 2-3 पीसेज एंड गो. सो आई थिंक लाइक दिस इज ऐसा एक पीस है जो इंडियन में भी जाएगा, उनका जो कलेक्शन है वो वेस्टर्न में भी जा सकता है, आप कुछ फंकी ट्राई करना है तो उसमें भी जाएगा. तो इसलिए मुझे इनका कलेक्शन बहुत ही पसंद है. ये एक्चुअली काफी इतना भारी भी नहीं है जितना होना चाहिए, और इट्स वेरी कम्फर्टेबल. आई डांस्ड इन इट, इट्स यू डोंट फील इट एट ऑल. The beautiful thing about diamonds is that it shines, and I think it adds to your sparkle. Actually, और चीज़ ये है कि मैं सालों से डांस करती हूँ, तो मुझे इतना नर्वसनेस महसूस नहीं होता. जब मुझे रैंप पे आज जब वॉक करना था तो जस्ट चलना है, असलियत में तो यू फील लाइक जस्ट चलना है, लेकिन फिर भी आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी वेरी नर्वस टुडे.